बर्डवॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह से व आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। माननीय प्रीतम सेन लोधी जी को भाजपा जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत मोंटी रेखवार, मित्र मंडली, दमोह। लॉकडाउन के दौरान बार बार लोगों के द्वारा ठगी करने की कार्रवाई सामने आ रही है। ऐसा ही मामला दमोह में देखने को मिला, जिसमें जिला दंडाधिकारी आनंद कुबरिया ने बताया कि मोंडी रेखवा जिला सहमंडी प्रभारी भाजपा दमोह द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि सचिन जैन के द्वारा जैन सिटी डिजिटल कॉमन सर्विस सेंटर दमोह में संचालित किया जा रहा है। इनके द्वारा आवागमन पास के ऑनलाइन आवेदन कराने हेतु 100 रुपये से 200 रुपये और संपूर्ण पास तैयार कराकर जारी करने के एवज में 1000 से 5000 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। आवेदन पत्र के साथ रिकॉर्डिंग की सीडी एवं रिकॉर्डिंग का डाटा वास्तविक होने के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत भी किया है। कि किसी व्यक्ति विशेष ने पैसे लेके और परमिशन बनाई है, उस संदर्भ में उनकी लिखित शिकायत थी और एक सीडी भी उनने दी थी। दोनों चीज़ें एसपी दमोह को भेज दी गई हैं कि नियमानुसार जांच कर कार्रवाई करें। सर, प्रथम दृष्टि क्या लगता है, किस तरह से परमिशन बनाई? और देखिए, जिस तरह से उनने बोला है कि मेरे बंगले पे जाके दस्तखत करा के लाएंगे, तो किसी भी परमिशन में मैनुअली दस्तखत नहीं होते, वो डिजिटल दस्तखत होते हैं जो ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। जैसे ही आपका जो आवेदन होता है अप्रूव होता है, तो उसमें दस्तखत होके वो निकल आपके मोबाइल पे आ जाती है। अगर किसी को निकालना होता तो प्रिंट आउट निकाल लेता है उसका, अदरवाइज प्रिंट आउट की भी आवश्यकता उसमें रहती नहीं है। सर, एक परमिशन वायरल हो रही है, इसमें 2 घंटे परमिशन हो गई, पॉसिबल है सर 2 घंटे परमिशन हो गई? नहीं, 2 घंटे में परमिशन तो नॉर्मली जैसे आपका हमारे रिकॉर्ड पे आता है और वो क्रम से चलती रहती है, जैसे ही सामने आता है। तो परमिशन, किसी भी परमिशन में बहुत ज़्यादा समय लगता नहीं, अगर आपको पात्रता है तो वो मिल जाती है परमिशन। बात रात में 10 बजे की बात आई? नहीं, रात में 10 बजे, 9 बजे तक तो मेरा ऑफिस खुला होता है, लेकिन 10 बजे मेरा ऑफिस खुला नहीं होता है। सर, कुल मिला के घोटाला लग रहा है सर? हाँ, कुल मिला के संदिग्ध प्रतीत होती, बाकी पुलिस की जांच में जो आएगा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। किस की आपने शिकायत की है, क्या बस? हमारे लिए आज से 3 दिन पहले एक सूचना प्राप्त हुई कि दमोह में जो पास बनाए जा रहे हैं आवागमन के लिए, इंदौर जाने के लिए, भोपाल जाने के लिए, जयपुर जाने के लिए, जहाँ देश में एक और महामारी चल रही है और इस महामारी में देश के सबसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आवागमन पर रोक लगाई है और अभी कुछ नियमों में सतर्कता जारी की गई थी और वहाँ पर आने जाने के पास बनाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे दमोह में एडीएम कार्यालय में के नाम से एक प्राइवेट संचालक हैं, जैन सिटी कंप्यूटर्स के संचालक सचिन जैन, उनके द्वारा जो पास जारी किए जा रहे थे 2000, 5000, 3000 रुपये लेके पास बनाए जा रहे थे और एडीएम के नाम से एक वीडियो ऑडियो हम लोगों ने उनका रिकॉर्ड किया कि आखिर यह कृत्य क्यों चल रहा है। और मैंने उनका कृत्य को देखा, यह कृत्य उनका अशोभनीय था और मैंने आज इसकी शिकायत एडीएम महोदय से की है और उन्होंने मैंने आग्रह किया है कि उन्होंने जो लॉकडाउन के दौरान दमोह जिले से लगभग 2500 अनुमति ऐसे जारी हुई हैं और इसका पूर्ण रूप से जाँच होना चाहिए, खुलासा होना चाहिए कि इसमें आखिर सचिन जैन के द्वारा कितनी अनुमति दी गई हैं। और जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि आईडी और पासवर्ड यहाँ से चोरी किया गया है, वह आईडी पासवर्ड किसके कहने से बाहर गया? सवाल ये उठता है कि जो हमारी सिक्योरिट पॉलिसी है और इस पॉलिसी में हम आम जनता के लिए समय देते हैं, तय तारीख देते हैं और उसके बाद 8:30 पर एक आवेदक के द्वारा आवेदन किया गया 8:30 पर 11 तारीख को रात्रि में, और उसके बाद 10:15 पे इंदौर जाने का पास जारी होता है, वो भी अपर कलेक्टर महोदय की फर्जी सिग्नेचर से और आईडी पासवर्ड चुरा के काम किया गया है। मैंने एडीएम महोदय से स्पष्ट किया है कि ऐसे मामले में धारा 420 के तहत मामला दर्ज होना चाहिए और आदरणीय एडीएम साहब ने संबंधित अधिकारियों के लिए निर्देश किया है कि उक्त मामले में जैन सिटी कंप्यूटर के संचालक सचिन जैन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए।
कितने पैसे की मांग करते थे? लगभग जैसे इंदौर जाना है, भोपाल जाना है तो 5,000 रुपये, जलपुर सागर जाना है तो 1,000 रुपये। एक इस महामारी के समय भी चल रहा था, मैं दमोह की जनता की लड़ाई के लिए निरंतर जनता दमोह में लड़ रहा हूँ। मैं पिछले 23 तारीख से अनवरत दमोह जनता की सेवा कर रहा हूँ और कभी किसी के लिए हम लोग कच्ची राशन की सामग्री बांट रहे हैं। ऐसे हालत में मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य किया गया है और जिन्होंने कृत्य किया उनको छोड़ूंगा नहीं।